कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। ये प्रश्न आता है कि गॉड आपके साथ है कि नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाते हैं। कई बार तो ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बहुत दुख आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं और उनको बहुत सारी चीजें झेलना पड़ता है। तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। एक बार एक लड़का जो कि आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था, बहुत मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली और उसे लगता था कि गॉड हमेशा उसके साथ है। और यह पता कैसे करता था? जब वह हर रोज समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में है और वो ईश्वर से बातें कर रहा है, क्योंकि जब वो चलता था तो रेत उसे दो पैर के निशान दिखाई देते थे, एक गॉड के और एक खुद के। वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था, उसने अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखे। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी, यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी, जहां करोड़ों की प्रॉफिट बना रही थी वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि जब अच्छा समय था तो भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। और वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और चीजें गॉड ने उसे सिखाई थी उन चीजों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़ी दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहां बहुत सारा लॉस हो रहा था वहां सारा प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, पर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वह थोड़ी दिन के बाद समुद्र के पास गया, सारी चीजें ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। बात उसने नोटिस किया कि जब वह समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरी विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पे हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर मेरे पास आ गए, मुझे जब सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ की जरूरत थी उस वक्त कहा थे, और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा कि यदि तुम साथ थे, यदि साथ होते थे तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बाजू से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था, जब तुम सफल थे तब तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक पैरों के निशान दिखने लगे क्योंकि तुम्हें अपने गोदी में उठा लिया था, और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों के लकीरों से पहले उंगलियां होती है, जो हमें यही सिखाती है कि हमें अपने किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी ये बात पता चले और वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके।